ग्लैमर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टैलेंट और खूबसूरती का मिश्रण सुपरस्टार बनने का फॉर्मूला माना जाता है। यहां कोने कोने से कई एक्टर्स आए और इंडस्ट्री में छा गए। बात अगर करें टेलीविजन की तो यहां भी देश के कोने कोने से कई एक्टर्स ने जगह बनाई। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं टीवी की उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस से जो पहाड़ी खूबसूरती की मिसाल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर एक, शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। शिवांगी न सिर्फ लुक्स बल्कि अपने स्टाइल सेंस से ग्लैमर इंडस्ट्री में तहलका मचा रही हैं। लोग शिवांगी की खूबसूरती के दीवाने हैं। नंबर दो, सोनम बिष्ट। सोनम बिष्ट की फ्लॉलेस स्किन और रोजी पिंक चीक्स टिपिकल पहाड़ी ब्यूटी की पहचान है। सोनम स्टार प्लस के शो सुहानी सी एक लड़की में नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। बात अगर करें सोनम की स्कूलिंग की तो सोनम की स्कूलिंग देहरादून में हुई है। नंबर तीन, प्राकृतिक नौटियाल। प्रकृति टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। चंडीगढ़ और देहरादून में प्रकृति का बचपन गुजरा है। प्रकृति कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। नंबर चार, बरखा बिष्ट। जी हाँ, बरखा बिष्ट भी उत्तराखंड मूल की अभिनेत्री हैं। हालांकि बरखा के पिता आर्मी ऑफिसर थे, यही वजह रही कि बरखा का बचपन अलग अलग शहरों में गुजरा। बरखा कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। एक्टिंग के अलावा बरखा को डांस करना बहुत पसंद है। नंबर पाँच, शिल्पा सकलानी। शिल्पा सकलानी भी टीवी की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्हें उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। शिल्पा का जन्म 20 जनवरी 1982 देहरादून में हुआ। हालांकि स्कूलिंग करने के बाद आगे की पढ़ाई शिल्पा ने मुंबई आकर करी और 17 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नंबर छह, रूप दुर्गापाल। बालिका वधु फेम रूप दुर्गापाल भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। रूप की स्कूलिंग अल्मोड़ा में हुई और एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले रूप इंफोसिस में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुकी हैं। हालांकि फिलहाल एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग की दुनिया में भी रूप कदम रख चुकी हैं। नंबर सात, अदिति सजवान। अदिति सजवान देहरादून की रहने वाली हैं। वैसे तो अदिति ने अपने करियर की शुरुआत की थी जी टीवी के शो मेरी डोली तेरे अंगना से, लेकिन उन्हें असली पॉपुलैरिटी सब टीवी के शो चिड़ियाघर से मिली जिसमें उन्होंने मयूरी का किरदार निभाया। नंबर आठ, सुकृति कानपाल। सुकृति कुमाऊनी पहाड़ी फैमिली से आती हैं। सुकृति ने अपनी पढ़ाई सेंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल नैनीताल से की। इसके बाद एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए सुकृति मुंबई चली आई। सुकृति कानपाल को शो दिल मिल गए और प्यार की एक कहानी सुकृति के सबसे पॉपुलर शोज हैं। नंबर नौ, रागिनी नंदवानी। रागिनी का जन्म देहरादून में हुआ। रागिनी ने यहाँ दून इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। जी टीवी के पॉपुलर शो मिसेस कौशिक की पांच बहुएं से रागिनी ने अपने करियर की शुरुआत की और अब रागिनी कई तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम और हिंदी मूवीज में लीड रोल निभा रही हैं। और नंबर दस, आशा नेगी। जी हाँ, आशा भी देहरादून से बिलोंग करती हैं। आशा ने यहाँ सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, आशा मिस उत्तराखंड भी रह चुकी हैं। आशा को पॉपुलैरिटी मिली एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से, जिसमें उन्होंने पूर्वी का किरदार निभाया। आपको ये भी बताते चलें कि इसके अलावा आशा कई और सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं, मगर फिलहाल वो अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं।